अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने क्या काम करना है? वी हैव टू डिटरमाइन हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। वी नो दैट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 मोर देन 10। एज वी नो दैट 10 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 4, तो 10 से बड़ा जो मल्टीपल ऑफ 4 है दैट इज 12। उसके बाद है 12, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। और जब हम 250 तक पहुंचते हैं तो 250, जैसे कि 10 यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 नहीं था, 250 भी 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे 248, दैट इज तो लेस देन ही 10 आ जाएगा। तो देयर फोर वी कैन राइट इट एज, तो यहाँ पे हम पहले देखिए ए पी कैसे फॉर्म हो जाता है। हाँ, वी नो दैट मल्टीपल्स ऑफ फोर lying between 10 and 250, 10 and 250 forming an APR, हाँ, जैसे कि that is 12 more than 10, lying between 10 and 250, that's 12, 16, 20 up to 248. As we know that what we are discussing, we are find the nth term of AP. We know that nth term of AP किसके बराबर है? AN equal, yeah, we are discussing nth term of AP. So that is equals to AN equals to A plus N minus 1 into D. AN that is the nth term, or we can say that is the last term. A तो यहाँ पे first term of AP है, N number of terms, and D is the कॉमन डिफरेंस। जैसे कि पूरी एक्सरसाइज में 5.2 में हमने यही ज्यादातर डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। तो देयर फोर वी नो दैट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू ए एन, और वी कैन से दैट ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हियर ए इक्वल्स दैट इज फर्स्ट टर्म, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12। हाँ, D equals to multiples of 4, that is A2 minus A1, or D equals to 16 minus 12, therefore D equals to 4, या वहाँ से दिया गया है multiples of 4 है, तो D 4 के बराबर है, and AN हमारे पास यहाँ पे दी गई, that is 248, therefore by question, हाँ, question के हिसाब से A के बदले 12 आएगा, plus n minus 1, what is the common difference, that is 4 equals 248, shabash, or we can write it as, iske badle hum likh sakte hain 12, or we can write as n minus 1 into 4 equals to 248 minus 12, that is n minus 1 into 4 equals to 8 minus 2 हो गया 6, 4 minus 1 that is 3, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, शाबाश। n minus 1 equals to 3 6 divided by 4, ठीक है, 4 1s 4, 4 5 is 20, तो यहाँ पे 23 आएगा, 4 9 4s हो गया 36, that is n minus 1 equals to 59, और n equals to 59, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 59 प्लस 1, और वी कैन राइट इट एज n इक्वल्स टू 60, देयरफॉर 60 मल्टीप्लस ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है ना बेटा, समझ आया ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, शाबाश। इसके बाद ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n और द nth टर्म्स ऑफ 2 ap इज इक्वल। जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 14 या क्वेश्चन नंबर 13 किया था, तो सेम इज द केस यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 या क्वेश्चन नंबर 12 में, जैसे भी जो जैसे कि हमको वो क्वेश्चन किए थे हमने क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड्स, तो वही प्रोसीजर हम इसके लिए इस्तेमाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, दैट विल रिमेन असाइनमेंट फॉर यू। नाउ व्हाट क्वेश्चन नंबर 16 स्टेट्स, क्वेश्चन नंबर 16 इज डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज,
हमारे पास एपी दिया, हमें एपी डिटरमाइन करना है जिसकी थर्ड टर्म है, तो हमें दिया गया है, हाँ हमने एपी बनाना है, एपी डिटरमाइन करना है जिसकी थर्ड टर्म दी गई है। वी आर गिवन दैट ए थ्री दैट इज किसके बराबर है, थर्ड टर्म इज 16, और वी कैन राइट एज ए थ्री किसके बराबर है, ए प्लस टू डी इक्वल्स टू 16, टेक इट एज इक्वेशन फर्स्ट ऑल्सो। और इस उसी ए पी की जो हमने डिटरमाइन करना है, होज थर्ड टर्म इज 16 हमने लिया, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ बाय 12, दैट इज सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ बाय 12, ठीक है ना बेटा, दैट इज ए सेवन इक्वल्स टू ए फाइव प्लस 12, एक्सीड्स फिफ्थ बाय 12, वेरी गुड। ए सेवन है ए प्लस 60 इक्वल्स टू ए प्लस 5 किसके बराबर है, ए प्लस 4d प्लस हो गया 12, ए ए गेट्स कैंसल, दैट इज 6d माइनस 4d इक्वल्स 12, 6 माइनस 4 दैट इज 2d इक्वल्स 12, डी इक्वल्स 12 बाई 2, डी इक्वल्स 1 to 6, डी इक्वल्स टू 6, यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रही है 6, शाबाश। नाउ पुट, अब हम यही d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लेंगे, पुट d इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या लिया हमने, दैट इज a प्लस 2 इंटू डी के बदले क्या आएगा 6 इक्वल्स टू 16, शाबाश। तो a प्लस 6 टू क्या हो गया 12 इक्वल्स टू 16, दैट इज a इक्वल्स टू 16 माइनस 12, तो a किसके बराबर आ रहा है, a इक्वल्स टू 16 माइनस 12 दैट इज 4। नाउ फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, a इक्वल्स टू 4, सेकंड टर्म देयरफॉर फॉर a2 वी हैव a2 इक्वल्स टू a प्लस d, तो a हमारे पास क्या आया, दैट इज a2 इक्वल्स टू 4 प्लस d का वैल्यू है 6, दैट इज a2 इक्वल्स टू 10, और a3 क्या है हमारे पास, आल्सो a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d, दैट इज a3 इक्वल्स टू a का वैल्यू है 4 प्लस 2 इनटू d, d का वैल्यू क्या है, शाबाश, d हमारे पास क्या है 6, दैट इज a3 इक्वल्स टू 4 प्लस 12, a3 equals to 16, therefore required ap जो हमने determine करना था is first term क्या है 4 comma 10 16, ठीक है बेटा, therefore ये हमारे पास ap है जिसकी third term क्या है 16, जैसे कि यहाँ पे check किया हमने, ठीक है ना, और इसकी सेवंथ टर्म दैट एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, जो फिफ्थ टर्म को 12 से एक्सीड कर रही है, कौन सी टर्म, सेवंथ टर्म, शाबाश। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18, इट विल रिमेन असाइनमेंट फॉर यू, जैसे कि यहां पे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, तो ये आपके लिए असाइनमेंट्स रहेंगे। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, सबा राव स्टार्ट वर्क इन 1995, सबा राव काम शुरू करती है किस साल में, 1995 में, एट एन एनुअल सैलरी, जो शुरू सैलरी हर साल की सैलरी जो उसी के साथ डिसाइड हो रही है, दैट इज रुपीज 5000, एंड रिसीव्ड उसके बाद उसको ईयरली इंक्रीमेंट मिल जाती है, वी हैड डिटरमाइन कितने से किस साल में किस ईयर में आफ्टर 1995 में उसकी सैलरी 7000 तक हो जाएगी, तो दैट मींस इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन में से ऑब्वियसली हमारे पास जो एपी बनने जा रहा है दैट इज दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ए 5000, उसके बाद ईयरली उसकी इंक्रीमेंट लगने के बाद, तो 5200 5400 5600 तक जाके कहां तक पहुंच जाती है इसकी सैलरी 7000, और हमने क्या काम करना है डिटरमाइन किस साल में इसकी सैलरी किसके बराबर हो जाती है रुपीज 7000, तो दैट मींस हमने यहाँ पे तो वो साल डिटरमाइन करना है, उसके लिए हम पहले एन का वैल्यू निकालेंगे हमारे पास ए, उसके बाद डिटरमाइन करेंगे हम तो रिमेनिंग जो पार्ट है क्वेश्चन का किस साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाती है 7000 फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन ए पी बिकम्स
ऐसे जैसे कि 5 साल 5,000 5,000 से शुरू करते हैं वो सैलरी, ठीक है ना, वो काम करना शुरू करती है, ठीक है ना बेटा, हाँ करता है, सॉरी। तो सबा राव यहाँ पे है 5,000, और उसके बाद आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, 5,200, 5,400, 5,600 अप टू कहाँ तक जाती है इसकी सैलरी, 7,000, ठीक है ना बेटा। तो देयर फोर वी नो दैट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू ए एन, ठीक है ना बेटा। तो ए का वैल्यू क्या है, 5,000 प्लस एन, हमारे पास नहीं है, माइनस वन इंटू डी, तो पर ईयर जो इंक्रीमेंट है दैट इज 200 रुपीज, इंटू 200 इक्वल्स टू 7,000, ठीक है ना बेटा। तो बिकॉज हमें यहाँ पे पता है ए इक्वल्स टू 5,000, डी इक्वल्स टू 200, 200, वेरी गुड, एंड एन ए एन इक्वल्स टू 7,000, और वी कैन राइट इट एज एन माइनस वन इंटू 200 इक्वल्स टू 7,000 माइनस 5,000, ठीक है ना बेटा, और एन माइनस वन इंटू 200 इक्वल्स टू 2,000, और एन माइनस वन इक्वल्स टू इंटू, या एन माइनस वन इक्वल्स टू 2,000 माइन डिवाइडेड बाई 200, टू वंस टू टेंस, एन माइनस वन इक्वल्स टू 10, और एन इक्वल्स टू 10 प्लस वन, एन इक्वल्स टू 11। हमें पता है कि इसने कब शुरू किया, इसने शुरू किया था 1995 में, 1995 में, उसके बाद क्या गया 1996 फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन वी हैव। तो शुरू कब किया, तो या सीरीज या सीक्वेंस या सीरीज ऑफ एपी बिकम्स, तो यहाँ पे क्या 1995 से शुरू किया, ठीक है ना। तो उसके बाद 1996 आएगा, 1997 आएगा, 1998 आएगा। अब तो हमें देखना है किस ईयर में इसकी सैलरी कितनी चली जाती है, रुपीज, वेरी गुड, कितनी जाती है 7,000। तो वी नो दैट, यहाँ पे याद रखना है इनका वैल्यू कितना आ गया, 11 के बराबर। हियर A equals to 1995, D equals to after each year 1, N equals to 11. What we have determined for AN we have. So AN के लिए हमारे पास क्या है? AN equals to A plus N minus 1 into D. ठीक है बेटा? तो that is AN. We have determined AN equals to A. A का value है 1995 plus N. एन क्या है यहाँ पे, 11 माइनस 1 इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस 1 है, ठीक है। तो दैट इज ए एन इक्वल्स टू 1995 प्लस 11 माइनस 1 हो गया 10 इंटू 1, दैट इज ए एन इक्वल्स टू 1995 प्लस 10, तो दैट इज ए एन इक्वल्स टू 2005। देयरफॉर इन 2005 सबा राव राव गेट्स हिज इनकम, या इन 2005 सबा राव्स इनकम रीच रुपीज 7,000, ठीक है ना बेटा। तो ऐसी क्वेश्चन नंबर 20 है, वहां पे भी सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है जो पहला पार्ट इसका है, अदर देन दिस रिमेनिंग पार्ट। तो आई होप कि वो भी आपको आएगा, और जितने भी ये क्वेश्चन हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 20, दे आर असाइंड फॉर यू। आई होप कि आपको ये आएंगे, अगर नहीं आए तो यू आर फ्री टू कॉल ऑन माई नंबर, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, दैट इज वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स, या विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 5.3। होप दैट यू गेट इट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।